रामलाल कपड़े के बड़े व्यापारी थे। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रहते थे। अक्सर कपड़ों की खरीदारी के लिए उनको शहर जाना पड़ता था। नीमचंद उनका जिगरी दोस्त था। एक बार रामलाल के जन्मदिन पर नीमचंद ने उन्हें एक कीमती घड़ी तोहफे के रूप में दी। रामलाल को घड़ी बहुत पसंद आई। वे उसे संभाल कर रखते थे। उनके यहाँ 3 नौकर थे। रामलाल के मकान के बगल में ही नौकर रहते थे। एक दिन रामलाल को कपड़े खरीदने शहर जाना था। वे नहा धोकर तैयार हो गए और पत्नी से कहा, राधा जरा मेरी घड़ी ला दो तो। राधा को कमरे में कहीं भी घड़ी नहीं मिली। वह लौटकर आई और बोली, सुनिए जी, कमरे से घड़ी गायब है, मुझे कहीं नहीं मिली। रामलाल निराश हो गए। उन्होंने तुरंत नौकरों को बुलाया। तीनों ने घड़ी चुराने की बात से इनकार किया। रामलाल को पक्का यकीन था कि तीनों में से किसी एक ने जरूर घड़ी चोरी की है, मगर सबूत नहीं था। रामलाल को एक उपाय सूझा। उन्होंने तीनों नौकरों को बुलाकर बराबर लंबाई वाली 3 लकड़ियां दीं और कहा, तुम लोग आज रात को अपनी अपनी लकड़ी अपने अपने सिरहाने रखकर सो जाओ। कल सवेरे लकड़ी लेकर मेरे पास आओ। रात के समय लकड़ी की लंबाई 1 इंच बढ़ने वाली है। ये जादुई लकड़ियां हैं। तीनों नौकर अपनी अपनी लकड़ी सिरहाने रखकर सो गए। सुबह होने के पहले एक नौकर उठ गया। वह बेचैन था। उसने अपनी लकड़ी निकाली और उससे 1 इंच का टुकड़ा काट दिया। उसने सोचा कि लकड़ी की लंबाई जरूर 1 इंच बड़ी होगी। सवेरा होते ही रामलाल ने तीनों नौकरों को बुलाया और लकड़ियां जांच ली। 2 नौकरों की लकड़ियां बराबर थीं। तीसरे की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। वही असली चोर था। रामलाल ने तुरंत पुलिस को बुलाया और चोर को सौंप दिया।